भारत अपने मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। कचौड़ी उनमें से एक है, जिसमें कई स्वाद एक साथ मिलकर एक बेहतरीन नाश्ता बनाते हैं जो हर किसी को पसंद आता है। कचौड़ी में जितना स्वाद होता है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। समय के साथ और स्थान के अनुरूप कचौड़ी का स्वाद और बनाने का तरीका बहुत बदला है। तो अब जानते हैं कि कचौड़ी का बिजनेस कैसे किया जाए, कितनी लागत कितना मुनाफा। कचौड़ी के छोटे बिजनेस को आप महज 30 से 40 हजार रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। वही बड़े लेवल पर बिजनेस करने के लिए आपको मशीनों और जगह की जरूरत होगी, तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। अगर मुनाफे की बात करें तो एक कचौड़ी को बनाने में 3 से 4 रुपए या अधिक से अधिक 5 रुपए की लागत आएगी। अगर आप एक कचौड़ी 10 रुपए की बेचते हैं तो इसमें आपको 5 रुपए का मुनाफा होगा, यानी इस बिजनेस में करीब करीब 50% मुनाफा हो सकता है। अगर बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं तो भी आप आसानी से 30 से 40% मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में आपको पहले मार्केट की डिमांड को समझना होगा ताकि आपकी वेस्टेज कम से कम हो सके। छोटे लेवल पर कचौड़ी का बिजनेस करें तो साथ ही चाय भी रखें, जिससे आपकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी। कचौड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री और कच्चे माल को आप अपनी नजदीकी ग्रोसरी स्टोर और सब्जी की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें आपको मैदा चाहिए होता है, जो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से उपलब्ध है। मूंग दाल चाहिए होती है, यह भी सभी जगह उपलब्ध है। थोड़ा बेसन और कचौड़ी को तलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। सब्जियों में आलू, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च इत्यादि की आवश्यकता होती है। मसाले के तौर पर जीरा, बीज वाला धनिया, कस्तूरी मेथी, सौंफ, लाल मिर्च, नमक आदि की आवश्यकता होती है। कचौड़ी के बिजनेस के लिए सही जगह का चुनाव। इस बिजनेस की शुरुआत आपको ऐसी जगह करनी होगी जहां अधिक लोगों का आना जाना हो। इसके लिए आपको एक ऐसे क्षेत्र में अपनी शॉप ओपन करनी होगी जहाँ कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल या फिर मॉल हो। ऐसी जगह पर आप कम समय में अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। बता दे, ब्रेकफास्ट शॉप सुबह सुबह और शाम के समय में ही ज्यादा चलती है, इसलिए आपकी दुकान शहर की अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए। जितनी अच्छी लोकेशन पर आपकी दुकान होगी आपको उतना ही लाभ होगा, इसलिए कोशिश करें कि आपकी दुकान भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो। नियत समय में कचौड़ी बेचे। स्वाभाविक है कि जब आप अपने घर से कचौड़ी बनाकर किसी अलग भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहां उपलब्ध होने का एक निश्चित समय फिक्स करना होगा, ताकि जो आपके स्थायी ग्राहक होंगे वे आपके टाइम टेबल से कंफ्यूज न हो। यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको घर पर कचौड़ी बनाने में भी समय लगेगा। इसलिए अपना एक नियत समय तय करें कि आपको कितने बजे तक कचौड़ी बेचने के स्थान पर उपलब्ध होना है और हफ्ते में किस दिन अपने स्टॉल को बंद रखना है। कचौड़ी की दुकान के लिए लाइसेंस। बता दे, नाश्ते की दुकान एक खाने से संबंधित बिजनेस है, ऐसे में आपको इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI से लाइसेंस लेना होगा। विज्ञापन और मार्केटिंग। अपनी दुकान को सफल बनाने के लिए आपको विज्ञापन और मार्केटिंग करनी होगी। आप अपने दुकान के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो और टीवी पर विज्ञापन दे सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस व्यापार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी।